नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक छोटा सा दीपक पूरे शहर को रोशनी नहीं दे सकता, लेकिन अगर उस दीपक को आप हथेली में रखकर धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। शिक्षा भी एक ऐसी ही चीज है जिसे आप थोड़ा थोड़ा अगर हर रोज ज्ञान प्राप्त करेंगे, थोड़ी थोड़ी अगर शिक्षा आप हर रोज लेंगे तो आप जीवन में सफलता के शिखर तक जरूर पहुंचेंगे। जब हम आज शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का जो मंदिर है उसे कैसे भूल सकते हैं। वर्तमान में जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि वैसे भी हम वैश्विक मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके ऊपर लगातार इस कोरोना COVID-19 का जो कहर है वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सभी को इसने आहत कर रखा है, सभी को परेशान कर रखा है। इसी श्रेणी में आज हम चर्चा करेंगे स्कूलों में जिस तरह लगातार बढ़ती हुई फीस को लेकर लोगों की हमेशा मांग रहती है कि फीस कम की जाए, और इसके अलावा अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसमें लगातार लोगों की ये मांग रही है कि जो अभी आने वाले 3 महीने हैं इनकी फीस जो है पूरी तरह से माफ होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने 3 महीने की जो फीस है उसे पोस्टपोन कर दिया है। क्या आने वाले समय में सभी की सैलरी दुगनी होने वाली है? क्या आने वाले समय में सभी का व्यवसाय जो है दुगना होने वाला है? क्योंकि उन्हें फीस तो देनी ही पड़ेगी, उस समय जस्ट डबल या 3 गुना फीस तक उनको एक साथ देनी पड़ सकती है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं शहर के और राजस्थान के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं महेश शर्मा जी, और साथ में हमारे साथ जुड़ी हैं हेमानी अज्ञानी जो कि शिक्षाविद भी हैं और अलग अलग क्षेत्रों में आपकी महारत जो है वो हासिल है, और एक आप अभिभावक भी हैं। तो हम आप दोनों का हार्दिक स्वागत है सिटी लाइव में। सबसे पहले हेमानी जी, आप क्योंकि अभिभावक, आपकी बच्ची भी पढ़ाई कर रही है स्कूल में, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको इस तरह की जो मंदी चल रही है, जो वैश्विक मंदी है, साथ में ऊपर से कोरोना का जो कहर है, इन सबको देखते हुए आप क्या कहते कहना चाहती हैं सरकार से, और स्कूल के जो ऑनर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, विशेष रूप से जो निजी स्कूल हैं उनके ऑनर्स। दीपक जी, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी। मेरा कहना चाहना ये सवाल ही गलत है, क्योंकि जी कारण ये है कि ये मानवता के विरुद्ध है। ये बात जो रखी जा रही है कि हम पोस्टपोन कर देते हैं। गहलोत जी दादाजी बन चुके हैं, उनकी जो पीढ़ियां हैं वो सेटल्ड हैं, और अगले 50 पीढ़ियों तक उन्होंने उन ईश्वर की कृपा से उनकी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो उनको दिक्कत नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार, मेरे जैसे परिवार, या मैं कह रही हूँ कि अगर आर्थिक स्तर पे देखा जाए, और हमसे जो निचले तबके के परिवार है, जो ना तो यहाँ से बाहर जा सकते हैं कि हम कहीं उत्तर प्रदेश चले गए, हम बिहार चले गए, या किसी और शहर में चले जाएं, जो जी पॉसिबल नहीं है। हम लोग बंजारे नहीं है, बॉर्न ब्रॉट अप जयपुर से ही हैं। अब आप पीड़ा सुनिए। अगर मैं मेरे काम की बात करती हूँ, तो जो कि 20-21 मार्च के बाद से लगभग बंद है, हम लोग, कहने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, हम लोग दिहाड़ी वाले लोग हैं, रोज कमाते हैं और उसी से अपने घर परिवार और परिस्थितियों को चलाते हैं। जब मेरे पास कमाई आई ही नहीं है, मामला लॉकडाउन पे खत्म नहीं होगा। लॉकडाउन जिस दिन खत्म होगा, या कोरोना जब हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, उसके बाद से तो हम वापस से कमाना शुरू करेंगे। तो मेरी फर्स्ट एवर प्रायोरिटी ये होगी कि जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मेरे घर का राशन है, मेरे घर के जो बिजली पानी के खर्चे हैं, बिल हैं, किस्तें हैं, वो सारी मैनेज हो जाए। पोस्टपोन करना, ये किस तरीके की, मतलब मैं ये कहती हूँ, ये मानसिकता ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप स्कूलों को अभी भी मुनाफे में रख रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप प्राइवेट स्कूल्स को, यानी जी कुछ ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस को, क्योंकि जो बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, आप उन्हें सेव करने की कोशिश कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ठीक है, तुम 3 महीने एडजस्ट कर लो, 3 महीने बाद डबल। अब मेरे को ये समझाइए कि 3 महीने के बाद मैं डबल कहाँ से लेकर आऊंगी। कमाना ही जब हम कोरोना के लॉकडाउन के बाद शुरू करेंगे, तो उसके बाद वो फीस जमा कराने के लिए पैसा इकट्ठा करना, जो बेसिक फीस है पहले तो उसको शुरू करो इकट्ठा करना। उसके बाद आप कहो नहीं, पिछला भी पेंडिंग पड़ा वो भी देना है। तो ये कायदा तो ये कहता था कि ये जो शिक्षा, जो कि पेड एजुकेशन हो गई है, कंप्लीट कॉर्पोरेट एजुकेशन एक सेलिंग प्रोडक्ट हो गया आज की तारीख में हम सबके लिए। और मजबूरी ये है कि जैसे मैं और आप अपने घर के लिए आटा राशन खरीद के लाते हैं, हमें शिक्षा भी खरीद के जी लानी है। चाहे हमारा बच्चा पढ़े या ना पढ़े, लेकिन उसके लिए एक वो डिग्री कॉलेज की या स्कूल की बहुत जरूरी हो गई है। तो वो पेड बिल्कुल करने के हिमानी लिए जी, हम लाए आपका कहाँ कहना से? बिल्कुल सही है। निश्चित निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पर यही सवाल है
कि आने वाले 3 महीने के बाद जब वापस स्कूल खुलेंगे तो सबको वो फीस जो है अभी नहीं ली गई है सरकार द्वारा वो वापस देनी पड़ेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी मौजूद हैं। महेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में भी रहे हैं, पिछली सरकार भी आपने देखी है और इस तरह की कई आर्थिक मंदी की स्थिति को भी आपने देखा भी है, आपने शिक्षा मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो उनके साथ आपने डिस्कशन भी किया है, आपको क्या लगता है कि अभी कल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो आदेश आया है 3 महीने की फीस को लेकर, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए ऐसा दीपक जी, अगर फीस की अपन बातचीत करें तो जैसे जो मैडम अभी कह रही थी ये बात सही है कि जो मध्यम वर्ग है और विशेष रूप से जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी स्थिति तो क्या है कि पूरी तरह सैलरी पे डिपेंड है और बड़ी मुश्किल से हाँफते हाँफते वो 25-26 तारीख तक पहुंचते हैं सैलरी आने के बाद, और लास्ट के 2-4 दिन तो उनकी बड़ी तकलीफ में गुजरते हैं और फिर महीना आता है सैलरी मिलती है फिर उनका जीवन चलता है। तो बात सही है कि अभी जब से लॉकडाउन हुआ है लोगों का काम एकदम खत्म हो गया है, नौकरियों पे नहीं जा पा रहे हैं चाहे या ना चाहे, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे कहते हैं कि दिया तले अंधेरा, हम लोगों की समस्याओं को उठाते हैं पत्रकार के लिए कहा जाता है कि एक कथित रूप से चौथा स्तंभ लोकतंत्र का। आपको आश्चर्य होगा कि जयपुर के कई अखबारों ने पत्रकारों को कर्मचारियों को तनख्वाह काट के दी है, उन्होंने लॉकडाउन पीरियड की तनख्वाह काट ली है। अब आप ये बताइए कि जब तनख्वाह आई नहीं है और अभी पता नहीं कब तक लॉकडाउन चलेगा, तो जब पैसा हाथ में आएगा ही नहीं तो पेरेंट्स कहाँ से बच्चों की फीस दे पाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरी तरह से मैं आपको बताऊं गैर संवेदनशील निर्णय है कि इन्होंने कहा स्थगित की जाती है, वो भी सोशल मीडिया पे अखबारों में हर जगह इतना हाय तोबा मचा, उसको इन लोगों को वास्तव में फीस माफ करनी चाहिए। और बात 3 महीने की नहीं है कि सही बात है जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो कई काफी लोगों की नौकरियां जा चुकी होंगी, मुझे भी नहीं पता मेरी भी नौकरी जो अखबार से मैं जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे वो रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है ना। इस तरह मेरे और भी जो साथी हैं, ये तो अखबार की बात थी, और जो नौकरियां हैं उनको फैक्ट्री के मालिक लोग, दुकानदार, बिजनेस हाउस, कॉर्पोरेट हाउस रखेंगे नहीं रखेंगे, तो सबको एक नया संघर्ष शुरू हो जाएगा जिसको हैंड टू माउथ कहते हैं हम लोग। सब लगभग क्या है कि जीरो वाली पोजिशन में आने वाले हैं लॉकडाउन खत्म होते ही, और ये मुख्यमंत्री को तुरंत कहना चाहिए था। आप ये देखिए कि वर्षों से ये जो बड़े बड़े स्कूल बने हुए हैं जी, उन्होंने क्या है कि अपने टीचर्स के बेस पे बच्चों से फीस ले लेके पेरेंट्स से बहुमंजिला बिल्डिंगें बना ली है, मोटी मोटी फीसें ले लेके लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, बड़ी बड़े बंगलों में रहते हैं। इनको खुद को आगे आके आके कहना चाहिए था कि इस राष्ट्रीय विपदा की स्थिति में हम बच्चों से कोई फीस नहीं लेंगे, क्योंकि हर बार इनके कर्मचारी टीचर्स इनको कमा के देते हैं, बच्चों से जो फीस लेते हैं मोटी फीसें, तो इनको खुद तो सोचना चाहिए इनके सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, बहुमंजिला बिल्डिंग बच्चों की फीस से ही तो बनी है, पेरेंट्स अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाता है। तो ये तो मैं आपको बताऊं सरकार का भी बहुत गैर संवेदनशील निर्णय है और स्कूल वालों को भी खुद को आगे आना चाहिए था। और मुख्यमंत्री देखिए अब 2700 करोड़ का लोन तो ले लिया उन्होंने कोरोना के नाम पे, तो ये पैसा जा कहां रहा है ये भी नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के इस सरकार के इस निर्णय की मैं निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री जी को दोबारा से सोचना चाहिए। देखिए, जितना भी जो सरकार के पास पैसा आता है या वो पैसा कहाँ जाता है इसको पूरी तरह से पारदर्शित तरीके से रखना चाहिए। यहाँ पर हिमानी जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप समाज सेवा से भी जुड़ी हैं, कई स्कूलों से भी आप जुड़ी हैं, वहां पर बच्चों के लिए आपने बहुत काम किया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे जब निजी जो स्कूल है उनके लिए जब एक एप्लीकेशन दी जाती है सरकार को तो मात्र 1 रुपए महीने में या फिर नाम मात्र के पैसे में वो जमीन जो है उनको अलॉट की जाती है, और वो जमीन अलॉट करने के पीछे उनका यही उद्देश्य होता है कि वो बेहतर शिक्षा जो है आम यानी समाज के लोग जो है उनको दें। तो आपको लगता है कि जब सरकार से निजी स्कूलों को लाखों करोड़ रुपए के फायदे में वो जमीनें मिलती हैं, वो सुविधाएं मिलती हैं, और यहां तक कि काफी फंड जो है वो भी सरकार द्वारा निजी स्कूलों को दिया जाता है, तो आप क्या मानती हैं कि इस तरह की जब परिस्थिति आती है तो उन निजी स्कूल के जो संचालक हैं उनको भी जनता को, समाज को सहयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पर दीपक जी इसमें ये बताइए ना, आप तो पत्रकारिता से हैं महेश जी की, आप लोग तो हमसे ज्यादा फील्ड में रहते हैं, आप एक चीज देखिए कि ये जो हायर स्कूल्स हैं, जो हाई पेड स्कूल मैं उनको बोलूंगी, जिनको एक अच्छा लैंड उनको मिला है सब्सिडी के साथ में, उनको छात्रों को पढ़ाने के लिए जो प्रिविलेज सरकार से मिल रहा है उसमें भी सब्सिडी मिल रही है, एब्सोल्यूट प्राइवेट स्कूल हैं वो,
और प्राइवेट स्कूल और एक कॉर्पोरेट हाउस में फर्क कुछ भी नहीं रह जाता, जहां पर आपको फ्रीडम है अपने स्कूल के बच्चे की फीस को तय करने के लिए, उसमें सरकार की कोई दखल नहीं है। सरकार से फायदे लेकिन के वो रूप में प्राइवेट सब्सिडी ले स्कूल ली, होने के बावजूद भी लाखों रुपए का फायदा ले रही है सरकार से। करोड़ों का डिजिट्स में फर्क है जी दीपक जी, समझे आप, करोड़ों जी का, हर महीने करोड़ों जी के जी टर्नओवर्स हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से लेकर स्कूल की बुक्स से लेकर यूनिफॉर्म्स को लेकर हम सभी पेरेंट्स बाउंड है उसी स्कूल स्ट्रक्चर से लेने के लिए। हमारे पास कोई प्रिविलेज नहीं है कि हम बाहर से, हाँ बड़ा हम्बल उस चीज को लिख दिया जाता है कि आप चाहें तो बाहर से ले सकते हैं, पर अंदरूनी दबाव बच्चे के ऊपर ऐसा रहता है, प्रेशर रहता है कि टीचर्स उसको इतना मतलब आगे समझ लीजिए डिमोनलाइज करते हैं कि अच्छा ये आपने स्कूल से नहीं ली तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये प्राइवेट स्ट्रक्चर जो खड़ा हो गया है ना, ये आप अंदर जाकर जब भी इनके बारे में जानने समझने की कोशिश करेंगे, आपको किसी भी एंगल से शिक्षा विद्या वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि गुरुकुल पद्धति की जो सब्सिडी ये इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए दी जा रही है उसका कोई फायदा है। ये सिर्फ कुछ परिवारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। पिछली लगातार 1947 से जब से मेरा और आपका ये देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक जो स्कूलों की स्थापना हुई है, बड़े से बड़ा पुराने से पुराना स्कूल, सबसे बड़ा कंट्रोल पावर केवल उन परिवारों के हाथ में है जो कॉरपोरेट घराने हैं, केवल एब्सोल्यूट कॉरपोरेट, और उन्होंने बिल्कुल कॉरपोरेट एक बिजनेस हब बना रखा है स्कूल्स को। अगर मैं कोरोना वाले चैप्टर को हटा भी दूं तब भी एक दुविधा मेरे और आपके साथ, क्योंकि अगर हम ये कहें कि बच्चों तो हम सभी के हैं ना, मई जून की फीस के आप लोगों ने पे नहीं की, हर साल पे की, और हम लोगों को अखरती थी वो फीस, वो इसलिए अखरती थी कि जब बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा तो हम पे क्यों कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की फीस ली जाती है मई जून में, हम क्या करें, हमारी बसें खाली खड़ी है, आप और मैं बहस ही नहीं कर सकते। कल भी आज भी मैंने जब बोला कुछ पेरेंट्स को, महिलाओं को इस बारे में कि आप आए इस प्रोग्राम में, उनकी हिम्मत नहीं हुई, उन्हें लगा कि अगर हम इस तरीके से किसी लाइव प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे हमारे बच्चे के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट ना कर दे स्कूल के अंदर, उसको वो हराश ना करें कि आपने हमारे स्कूल के अगेंस्ट कैसे बोल दिया। इतना डर है पेरेंट्स के मन में कि वो अपने बच्चे को देखते हुए कि बच्चे का कंफर्ट ना बिगड़ जाए तो हम लोग अपनी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपनी समस्याएं नहीं रखेंगे। तो गहलोत जी की बात नहीं है, चाहे प्रीवियस कोई भी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन आज की सिचुएशन ये कहती है कि जब आपने देख लिया कि आपने 100% पॉपुलेशन को घर पे बिठा दिया है, राशन सप्लाई छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस हैं जो सरकार को कायदे से माफ करने चाहिए। रिजर्व बैंक का ये स्टेप भी गलत था कि उसने सलाह दी बैंकों को कि आप इसको 3 महीने की एक रिलैक्सेशन दे दीजिए, आप मोरेटोरियम पीरियड का एक मिनट पेपर उठा के देख लीजिए या आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये जो एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ब्याज है वो आप और हम पे कहां से करेंगे दीपक जी। तो प्रैक्टिकल निश्चित बात तौर ये पर है कि आपका इसे सवाल माफ बिल्कुल करना बिल्कुल आप चाहिए। बिल्कुल आपका सवाल जो है बिल्कुल जायज है। यहाँ पर महेश जी, मैं मेरा आपसे वही सवाल है जो मैंने अभी हिमानी जी से पूछा था। मेरा सवाल यही है कि जो करोड़ों रुपए का फायदा निजी संचालकों को, स्कूल के निजी संचालक जो है उनको मिलता है, तो क्या उनका कोई दायित्व तो नहीं बनता है, उनका कोई कर्तव्य नहीं है समाज को लेकर, और वो इस तरह की क्यों अख्तियार कर रहे हैं, वो क्या खुद आगे आकर इस तरह के कदम जो है नहीं उठा सकते? आप इस बारे में क्या कहना चाहते? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। आप देखिए जयपुर में, आप देखिए उदाहरण के लिए कि जयपुर के हर कोने में एक पर्टिकुलर ट्रस्ट के नाम पे कई स्कूल हैं, कई ट्रस्ट ऐसे हैं जिन्होंने राज्य सरकार से, हाउसिंग बोर्ड से, जेडीए से टोकन अमाउंट के ऊपर बड़ी बड़ी जमीनें ली हुई है। उनके जयपुर में दो दो चार चार स्कूल चल रहे हैं, मोटी मोटी फीसें वो लेते हैं, टीचर्स को वो फीस हमसे चाहे मोटी लेते हैं, सही बात है कि छुट्टियों की फीस लेते थे सालों से, ट्रांसपोर्टेशन का लेते हैं, और अपने टीचर्स को वो पैसा नहीं देते हैं, साइन करवाते हैं 25,000 पे, देते हैं उनको 10,000 12,000, चलो वो उनका इंटरनल मामला है। तो कुल मिला के ये कॉरपोरेट घराने बन गए हैं, शिक्षा के नाम पे ये दुकानें हैं जहां बच्चों का भी शोषण है, पेरेंट्स का भी शोषण है, और इवन मैं तो ये कहूंगा जो वहां पे टीचर्स जो काम करती हैं उनका भी शोषण है, क्योंकि सही है कोई भी अपनी नौकरी जाने के कारण कोई आवाज नहीं उठा पाता है, तो ये बहुत गलत है। टोकन अमाउंट जमीनें ली हुई है, उसके आगे की अगर आप बात देखें, एक ने तीन तीन चार चार बार ले रखी है जमीनें बड़ी बड़ी, उसके बाद आप देखिए कि ये किसी भी निकाय से ये अपने नक्शे पास नहीं करवाते हैं, इनकी मन मर्जी से उस जमीन में चाहे जैसे इन्होंने बिल्डिंग बना ली है, जो भी बिल्डिंग जितने फ्लोर हो सकती है उससे ज्यादा ज्यादा बना रखी है, ज्यादा एरिया कवर करके बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए बना रखी है। तो ये रसूखदार लोग हैं जो सत्ता में कोई भी लोग आए, किसी भी पार्टी के आए, उनको ये लोग अपीज करते हैं, सरकार से मोटे फायदे उठाते हैं, और आम जनता जो है वो भेड़ है, उनकी ऊन कभी ये सरकार उतारती है कभी वो उतारती है, और उनकी मजबूरी ये है कि न वो बच्चों के कारण कह पाते हैं और न वो अपना दाल रोटी की व्यवस्था करें, इनसे झगड़ा करते फिरे। तो ये कुल मिला के क्या है कि हाँ जी
जी निश्चित तौर से देखिए, लगातार इस समय जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं सिटी लाइव के माध्यम से, जो इस विषय पे हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं समय, उनके भी कई सवाल जो हैं हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। एक ये देखिए उदयपुर से व्हाट्सएप मैसेज आया है मेरे पास हरिशंकर शर्मा जी का, इनका खुद का एक निजी स्कूल चलता है, ये सवाल कर रहे हैं, ये आप लोगों से सवाल ये कर रहे हैं कि जब लगातार हम लोग 3 महीने तक हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो हमारे स्टाफ के लोग हैं, जो हमारे क्लेरिकल लोग हैं, जो हमारे दूसरे स्टाफ टीचर्स हैं, इन सबको हमको सैलरी भी देनी होती है, तो ये सैलरी अगर हम फीस नहीं लेंगे तो ये सैलरी कहाँ से देंगे? इनका ये जानना है कि जो हिमानी जी हैं या जो महेश शर्मा जी है वो इस समय जवाब दे रहे हैं, तो वो इन सवालों का भी जवाब दें कि हम वो सैलरी कहाँ से निकाल के दें। हिमानी जी आप पहले बताइए। बिल्कुल सही, हाँ बहुत बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक बात पूछ रही हूँ इनसे, आप ये पूछें कि स्कूल कितने सालों से चला रहे हैं, कोई बैकअप प्लान नहीं है, अजीब बात है। महेश जी मैं आपकी चीज में एक ऐड और कर दूं, जो ट्रस्ट के नाम से जमीन है इनके पास वो 80G 12A रजिस्टर्ड भी है, तो वो इनकम टैक्स का प्रिविलेज भी आपने ले रखा है। अगर आपके पास आप इसका मतलब तो ये हुआ कि वो स्कूल्स भी इस समय बैंकरप्सी की दौर पे हैं कि उनके पास देने के लिए सैलरी नहीं है। हैरानी की बात है, ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसका एक रनिंग बिजनेस है। मैं जानना चाहूंगी कि 5 साल 10 साल 12 साल में क्या उनके पास सेविंग्स नहीं है। एक तरफ हमें चैरिटी कैंपेन्स चलाने के लिए कहा जा रहा है प्रधानमंत्री से लेके मेरे ख्याल में गली के जो लोकल कार्यकर्ता तक हमसे दान मांग रहे हैं कि हमें आपदा प्रबंधन को खाना देना, राशन देना है। इन स्कूल्स के पास क्या बैकअप प्लान नहीं था और क्या कोई सेविंग्स नहीं थे? क्या इनका इस समय में चैरिटी करने का या दान करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता? और वो कितने लोग हैं? अगर मैं एवरेज एक स्कूल की बात करती हूँ, जनरल मैं बिना नाम लिए बात कर रही हूँ, 1300 बच्चे उस स्कूल में है। स्टाफ की संख्या कितनी है? 30, 40, 50 मैक्सिमम। आप उन 50 लोगों को, महेश जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली, एक अखबार ने इस समय पे जो सैलरी दी है, मैं उस सैलरी को कोट करती हूँ, वो 15,000 रुपए उन्होंने सैलरी दी है। किस हिसाब से दी है? 15,000 में आज की तारीख में एक छोटे से व्यक्ति का, दो परिवार का व्यक्ति है, उसका भी किराया राशन पानी नहीं चल सकता। दीपक जी हमारे सरकार की तरफ से आ भी नहीं रहा है राशन भी नहीं, आपने तो वो भी खरीदना। हम तो उस दुविधा में है दीपक जी, हम तो हाथ फैला के मदद भी नहीं मांग सकते। आप और हम जिस मध्यम वर्ग से संबंध करते हैं, हम अपनी इज्जत ढकने के चक्कर में ही घर के अंदर रह जाएंगे। और ये या तो आप भीख मांग लो कि नहीं साहब हमारे पास तो नहीं है, बच्चे की फीस भरनी है। तो मैं तो उनसे पूछना चाहूंगी, एक बार अपनी ITR भी शेयर कर ले हमारे साथ में, ये भी बता दें बैंक बैलेंस में जो स्कूल्स में पिछले 5 साल 10 साल के अंदर आपने कमाया है उसके अंदर आपके पास कोई सेविंग्स ही नहीं है, जिसमें से आप 3 महीने में 50 लोगों को मैं कह रही हूँ 70-80 लोगों को आप सैलरी नहीं दे सकते। ऐसे में आपको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने का कोई राइट नहीं है। अगर आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी पुअर है, आपका प्लानिंग ही फेल है, तो आपको ऐसा स्कूल रन नहीं करना चाहिए। फिर आप बच्चों को क्या सिखाओगे मुझे नहीं पता। महेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे इसमें? हाँ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें दीपक जी, अपने को थोड़ा कैटेगराइज करना पड़ेगा। देखिए एक तो वो वर्ग है जो कि जैसे ट्रस्ट बना के उन्होंने सरकार से 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह जमीनें ले ली है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। बिल्कुल हाँ भाई, एक तो वो वर्ग है जो ट्रस्ट बने हुए हैं समाज के नाम पे, जाति के नाम पे, जिन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 जगह जमीनें ले रखी है और उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी है कि इन मैनी 100 करोड़ में वो उनका टर्नओवर होता है। मैं आपको बताऊं, एक तो वो लोग हैं, तो उन लोगों को तो बल्कि फीस माफ भी करनी चाहिए और सरकार को डोनेशन भी देना चाहिए। ये राष्ट्रीय आपदा है, जिंदा लोग जिंदा रहेंगे तो ये बिल्डिंगे काम आएगी, ये बड़े बड़े बंगले काम आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां काम आएगी उनके। एक वर्ग वो है कि जो सिर्फ एक अपना स्कूल चलाता है और जिसके ऊपर क्या है कि उसका परिवार भी डिपेंड है, आप समझ रहे बात को, उसके अपने एम्प्लॉय भी डिपेंड है। तो ये कैटेगरीज दो अलग अलग हो गई, या मैं सहमत हूँ, लेकिन जैसा मैडम ने कहा, हिमानी जी ने, कि भाई आप वर्षों से पेरेंट्स से फीस ले तो रहे हैं ना, ये बिल्डिंगे हर गर्मियों की छुट्टी में एक मंजिल कैसे बढ़ जाती है? और आप अपनी ITR शेयर कर लीजिए, जो ये कह रहा है कि साहब हम तो अगर फीस नहीं लिए तो कल से हमें लंगर में खाना पड़ेगा, जो स्कूल वाले ये कह रहे हैं, वो अपनी ITR शेयर कर लें आपसे, आपके प्लेटफॉर्म से आपके पास, तो पता चल जाए ना ट्रांसपेरेंसी। तो कुल मिला के क्या है कि स्कूल तो क्या है जी, बिजनेस है, अस्पताल और स्कूल सबसे लुक्रेटिव है और जिसमें कैश आता है हजारों लाखों रुपए हर टर्म में। अगर ये स्कूल वाले अगर प्ले लेते हैं तो ये इनका सही कह रहे हैं कि क्या तो इनके पास कोई बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि अब ये मिशन नहीं रहा बिजनेस है। और बाकी रोने के लिए तो साहब किसी भी मुद्दे पर रो सकता है कोई आदमी, लेकिन इनको खुद को आना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ सरकार का इंतजार क्या कर रहे थे, ये राष्ट्रीय विपदा नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विपदा है। लाखों लोग मर गए अलग अलग कंट्रीज के अंदर, हमारे यहाँ भी
दहाड़ी इससे सैकड़ों में आ गए हैं, फिर हो सकता है हजारों में आने लगे, तो इनको निश्चित खुद को तौर आगे पर आना चाहिए था जो लोग समर्थ है। बिल्कुल। देखिए हम हमारे जो सिटी लाइव के दर्शक इस समय हमारे इस शो को लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा अगर उनके मन में भी कोई सवाल हो, हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे अगर वो कोई सवाल करना चाहें या उनके मन में भी कोई सवाल हो और सरकार तक वो सवाल को भेजना चाहते हैं, तो एक हमारे जो सिटी लाइव का माध्यम है वो आप चुन सकते हैं और अपने सवाल जो है हमें लिखकर भेज सकते हैं अपने फेसबुक के माध्यम से भी, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी, या हमारे जो फेसबुक का पेज है उसमें जाकर आप अपने सवाल जो है वो लिख सकते हैं या उसमें बता सकते हैं। हम आपका आपके जो सवाल है उनका सीधा सीधा सरकार तक वो सवाल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हिमानी जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लगातार क्योंकि लोग हमसे जुड़ रहे हैं और अभी ये सुरेश जी का एक मैसेज आया है मेरे पास, वो ये कह रहे हैं कि मैं निजी कंपनी में काम करता हूं और 2 महीने पहले मेरी जो है वो जॉब जा चुकी है, अब मेरे पास आगे मेरे बच्चे की फीस देने के लिए पैसा मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं जो कुछ थोड़ा बहुत दूसरे काम से पैसा कमाता हूँ उससे मेरे परिवार का खाना पीना चलता है, तो मैं आने वाले दिनों में मेरे स्कूल की फीस कहाँ कैसे दूंगा, कहाँ से दूंगा, तो वो ये सरकार से जानना चाहते हैं कि महेश जी, क्योंकि वो लिख रहे हैं कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं कि ये महेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो हमारी बात को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। तो महेश जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से या आप क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को या जो शिक्षा मंत्री हमारे राजस्थान के हैं मुख्यमंत्री, उनको क्या संदेश है? ये एक परिवार नहीं, ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास आज की तारीख में निजी स्कूलों में फीस देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो कहाँ जाए? महेश मैं जी आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है। मैं कह रहा हूं कि होना ये चाहिए कि इन स्कूल वालों को जो कि कॉरपोरेट हाउसेज की तरह चला रहे हैं, जिनके शहर में 1, 2, 3, 4, 4 स्कूल्स हैं, उनको खुद को सोचना चाहिए। और अगर ये नहीं मानते हैं तो शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री को तो आदेश करना ही चाहिए, गवर्नमेंट आदेश होगा तो उनको मानना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा तो मानना है कि इनको आगे बढ़ के कहना चाहिए था, समाज में एक अच्छा संदेश जाता, एप्रिसिएशन होता। ये कहते हम बच्चों की फीस भी नहीं लेंगे और आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो हम पेरेंट्स के साथ हैं और हम सरकार के भी साथ हैं, तो लोग इनको क्या है कि अप्रिशिएट करते हैं। सोसाइटी में इनके बारे में जो एक इमेज बन चुकी है कि ये शोषण के बने हुए स्थान, जब किताब के नाम पे ये कमीशन खाते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन ठेकेदार को जो देते हैं बच्चों को आने जाने के लिए उसमें कमीशन खाते हैं, ड्रेस में कमीशन खाते हैं, और फीसें तो इनकी मोटी है ही, तो हर चीज में क्या है कि यहाँ से लेते हैं, उसके बाद भी बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन लगाना पड़ता है मिडिल क्लास को। तो कुल मिला के मेरा तो ये कहना है कि अगर अपने आप ये इनिशिएट लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सरकार को तो इस पर निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जनता और पेरेंट्स रोड पे आए और सरकार को एक नई तरह की समस्या का सामना करना पड़े। हिमानी जी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि ऐसा एक परिवार नहीं है, ऐसे कई परिवार हैं सुरेश जी की तरह जो हो सकता है कि आप जो आज जॉब है कल जॉब नहीं रहेगी, और आने वाले दिनों में इनका ये मानना है कि हो सकता है कई लोगों की जॉब जो है वो जा भी सकती है, तो उनका एक जो सपना होता है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर वो देश का भविष्य बनाए, अपने परिवार का एक संदेश या वो बनाए, तो इसके बारे में आप क्या मानना चाहेंगे, आपको क्या कहना? देखिए दीपक जी, बहुत प्रैक्टिकल बात है, मेरे और आपकी इस समय लड़ाई यही है कि हमारा जो नेता है, हाँ, राजस्थान के जो जन नायक, जो इस समय चप्पे चप्पे पे उनके पोस्टर्स और सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है उनकी तारीफों से, उनके सो कॉल्ड कारनामों से कि उन्होंने ये कर दिया और वो कर दिया। तो पहली बात तो आपको मुझे एक करेक्शन की बहुत सख्त जरूरत है, हमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो जो लीडर्स या जो जो लोग इस समय क्वारंटाइन के लिए घर पे बैठे हैं आराम कर रहे हैं, इन सबको चाणक्य का राजधर्म पढ़ने के लिए दे देना चाहिए। जब इन्हें पता ही नहीं है कि मुझे मेरे नायक होने की, मेरे नेता होने की, अग्रणी होने की भूमिका कैसे निभानी है, तो ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलना चाहिए। अब अगर ये पार्टियां हमारे सर पे खड़ी हो गई हैं तो हमारी अब जिम्मेदारी ये बनती है कि हम ऐसे पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए, और कम से कम क्या एक स्कॉलर की या एक डिग्री, जैसे ओल्डर नौकरी से पहले बोलते हैं ना कि आपकी डिग्री होनी चाहिए, तो इनसे ये पूछना चाहिए कि आपने चाणक्य का राजधर्म पढ़ा है या नहीं पढ़ा। राजधर्म में स्पष्ट लिखा है, आप पढ़े चाणक्य, उसने स्पष्ट कहा है कि अगर राजा को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं तो वो राजा रहने के लायक नहीं है। अपनी तारीफ कराने के लिए कुछ चीजें कर देना, और बड़ी आप इस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करें दीपक जी, उन्होंने बड़े समझदारी से कहा कि अच्छा ठीक है, पेरेंट्स ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो हम इस फीस को पोस्टपोन कर देते हैं, तो ये एक छोटी सी मीठी गोली और कैंडी पकड़ा दी आपको और मुझे लॉलीपॉप दे दी कि ठीक है मैंने तुम्हारी सुन ली। नहीं, आपने हमारी सुनी नहीं है, स्ट्रैटेजिकली उसको एक्टिवेट कर दिया।
बहुत स्मार्टली बहुत मैनिपुलेशन के साथ में इस पॉलिटिक्स को एक्टिव कर दिया कि हमने पेरेंट्स की भी सुन ली, और क्योंकि स्कूल्स हमारे मेन फंडर हैं, हमें पार्टी को उनसे चंदा मिलता तो हम उनको भी ऑब्लाइज करके रखेंगे। बी स्ट्रिक्ट, मैं गहलोत जी को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहूंगी कि अगर ये आप बहुत ही स्वीट स्वीट खेलने की कोशिश करेंगे, सो दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ राइट पॉलिटिक्स। आपको राजधर्म पढ़ना होगा, आपको समझना होगा राजा का धर्म यही है कि प्रजा के पास अगर राशन नहीं है तो सबसे पहले वो उनकी भूख का, उनके राशन का इंतजाम करे। दूसरे स्तर पे शिक्षा और रहन सहन आता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है मेरे और आपके, अगर हमारे पास शिक्षा को देने के लिए, हमें पेरेंट्स को अभिभावकों को देने के लिए पैसा नहीं है, तो उनका राजधर्म उनसे ये कहता है कि आपको ये फीस खत्म करनी होगी, माफ नहीं करनी, और ये नहीं कि आगे कर दूंगा, 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दी। नो, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि हमें किसी भी तरीके से मध्यम वर्ग पे, मुझ पर, आप पर, हम सब पर आई हुई इस पीड़ा का एक ही जवाब है कि अशोक गहलोत जी को राजस्थान के अंदर, प्रधानमंत्री को पूरे देश के अंदर, इन 3 महीनों की फीसों को खत्म करना होगा, सिरे से जड़ से बना मना करना होगा, स्ट्रिक्ट ऑर्डर देने होंगे कि कोई स्कूल नहीं ले सकता, बात खत्म। अब उसके बाद कौन से पेरेंट्स को किसको क्या देना है। जी जी जी, निश्चित तौर पर देखिए, लगातार हमने जो अभी लोगों से मांग की थी कि वो लगातार अपने सवाल जो हैं हमें भेज सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। अभी अभी बीकानेर से ये अमन जी हैं, उनका एक मैसेज मेरे पास आया है। ये कह रहे हैं कि मेरी खुद की, दीपक जी, एक स्कूल चलती है बीकानेर में, और अभी आपका ये जो कार्यक्रम हम देख रहे हैं, इसके चलने के बाद मेरे दिमाग में आया कि देखिए, पूरी फीस तो हम माफ नहीं कर सकते, लेकिन इनका ये कहना है कि जितनी फीस है उस फीस का 50% हम हमारी स्कूल की तरफ से, यानी कि हमारी तरफ से जो संचालक है उनकी तरफ से हम माफ कर रहे हैं, और हम 50% जो पैसा है वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में शामिल करके ले लेंगे, ताकि हमारे ऊपर भी भार नहीं पड़ेगा और जो जो अभिभावक हैं उनके ऊपर भी भार नहीं पड़ेगा। धन्यवाद अमन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम को देखकर आपने जो ये घोषणा की उसके लिए। हम यहाँ पर और भी लोगों से कहना चाहेंगे, वो भी अगर खुलकर अपनी बात रखना चाहें तो हमारे सिटी लाइव के माध्यम से रख सकते हैं। महेश जी, ये जो अमन जी ने अभी अभी हमें मैसेज भेजा है, इस बारे में आपका क्या कहना है कि इस तरह से स्कूल के जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनकी भावनाओं का तो सम्मान होना चाहिए, चलिए हमने शुरुआत की, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। इनको ये सोचना चाहिए स्कूल वालों को कि भाई, आप लोग क्या है कि आपका सेशन चलता है मार्च तक, अनुमान अप्रैल में कुछ दिनों के लिए शुरू करते थे, एक ये इसलिए कि 3 महीने की फीस पेरेंट से ले पाए। ये क्या है कि दो महीने तो वैसे नहीं पढ़ाते हैं। आप ये देखिए ना, ये पढ़ाते क्या है जो फीस लेने के, ये तो चल रहा है ढर्रा। ये भारत देश है, यहाँ जनता के अपने अधिकारों के प्रति जागृत तो है नहीं, तो 2 महीने तो छुट्टियां होती थी वैसे ही। अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, तभी तो ये दिन देखने पड़ रहे हैं उनको कि आज वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे। ये जो लेते थे, मैं तो कह रहा हूँ कि वर्षों से जो फीस ले रहे थे, ये रिकवरी होनी चाहिए। ये क्या मई जून जो है जबरदस्ती लेते थे, स्कूल फिर खुलते थे जुलाई में। और आपको एक मजेदार बात और बता दूं, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, और मैं भी जैसे फील्ड में थोड़ा रहता हूं, कि ये क्या करते हैं सब, अस्थायी रूप से चुनिंदा होते हैं इनकी फीस जो होती है, टीचर मेल हो या फीमेल हो। ये क्या मार्च में उनको खत्म कर देंगे, फिर ये क्या नए सेशन में वैकेंसी निकालते हैं, चाहे उन्हीं टीचर्स को लेना हो, लेकिन उनको ये 2 महीने की फीस भी नहीं देते हैं छुट्टियों की, और ना उनको कंटिन्यू ये दिखाते हैं। तो स्कूलों की आपसे और हमसे कुछ छुपावा थोड़ी है कि ये जो चल रहे हैं कैसे कैसे खेल होते हैं, क्या मैनिपुलेशन है। तो ये जो जबरदस्ती ऊपर नीचे वाली बात है, ये छुट्टियां हैं, छुट्टियों के पैसे लेते रहे थे, इतने सालों से चल रहा था, और जनता जो मुंह बंद करके रहती है। लेकिन ये एक आपदा है, तो इसमें तो इनकी कोई मॉरल ड्यूटी नहीं बनती, बल्कि इनको तो आगे बढ़ के करना चाहिए था, न इस पर डिबेट होने की स्थिति आती, न सरकार को इनिशिएट लेना पड़ता। और जैसा मैडम ने कहा कि सही बात है, सरकारों के ये लोग बेसिकली क्या है कि फंड मैनेजमेंट पैसा देते हैं, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप समझ रहे हैं, तो उनके तो सेफ गार्ड करके चलेंगी। सरकार के लिए आम जनता की तभी तक है 5 साल में एक बार जब उनको वोट चाहिए, नहीं तो उनके लिए, सरकारों के लिए आम जनता कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है, उनकी कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि उनकी आवाज यूनाइट नहीं है, उनकी कोई लीडरशिप नहीं है, उनका कोई नेतृत्व नहीं है, आप समझ रहे हैं बात को। बिल्कुल, सरकारों को मात्र एक बार 5 साल में जनता को हाथ जोड़ के किसी तरह वोट लेना होता है, बाकी उनके हितों से उनको कोई जरूरत नहीं होती है। निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे स्कूल के संचालक हो, वो इस डिबेट को देखने के बाद या उन अभिभावकों का ख्याल रखते हुए अपनी स्कूल की जो फीस है उसे पूरी तरह से कैंसिल करेंगे, और सरकार जो है इस पर पूरी तरह से अमल करते हुए ये निजी स्कूलों को ये आदेश दे,
कि निश्चित रूप से उनको जो 3 महीने की वो स्थगित नहीं करते हुए उन्हें माफ करनी चाहिए। चलते चलते मैं हिमानी जी आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद में महेश जी आपसे भी पूछना चाहूंगा कि चलते चलते आप सरकार को और उन अभिभावकों को और उन स्कूल संचालकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो नहीं देना मुझे, मुझे तो सिर्फ गहलोत जी को राज धर्म याद दिलाना है, क्योंकि मुझे याद है इस एक शब्द को लेकर हमारे देश में बहुत लंबे समय से राजनीति चल रही है। याद है दीपक जी, आपको तो अच्छे से याद होगा जी। तो राज धर्म गहलोत जी ये कहता है कि इस समय आपको अपनी जनता के हितों का सोचना चाहिए, और आपका राजधर्म इस समय आपको निवेदन कर रहा है, आपसे आग्रह कर रहा है, और सबसे ज्यादा जरूरी उम्मीद कर रहा है कि आप अभिभावकों की समस्या को सुनते हुए, उन सभी परिवारों की समस्या को सुनते हुए इस फीस को खत्म कर देंगे जो 3 महीने बेवजह का बोझ है सबके ऊपर। क्योंकि आपको भी मालूम है दुकान खुलते ही दुकान पे कस्टमर आ जाए, सामान बिकने लग जाए और उसी दिन कमाई हो जाए, ये नहीं होगा। मध्यम वर्ग के साथ 70% से ज्यादा नौकरी में है, 30% जो खुद का व्यापार कर रहे हैं वो बहुत छोटे दर्जे का व्यापार होता है। तो आपको राजधर्म की याद दिला रही हूँ कि आप कोशिश करें कि इन 3 महीनों की फीस को सिरे से खत्म कर दें। महेश जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते जो स्कूल संचालक हैं, जो अभिभावक हैं और जो सरकार है हमारी राजस्थान की सरकार है, अशोक गहलोत सरकार है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते और एक क्योंकि आप अभिभावक भी हैं इस नाते? देखिए मेरा तो ये कहना है कि सरकार है ना, सब राजनीति न करे, पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ, जो जैसे मैडम ने कहा कि मीठी गोली देने का मुद्दा नहीं है ये आप इस पर सख्त निर्णय लीजिए, ये भी माफ कीजिए और आगे भी पेरेंट्स को जरूरत पड़े तो करें। मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉकडाउन पीरियड के बाद काफी लोगों की नौकरी जाने वाली है, पक्का मारिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी कोई लॉटरी नहीं निकलने वाले 3 महीने बाद भी, वो आगे की फीसें देने में भी अपने को असमर्थ पाएंगे क्योंकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाना भी सेकेंडरी है। आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो ये है कि पेट को रोटी चाहिए, क्योंकि ये जो मध्यम वर्ग है इसको न तो कोई सरकारी सहायता मिलने वाली है, न ये कहीं जाने वाला है, न कहीं ये मांगने वाला है। तो जब नौकरियां चले जाएंगी, काम धंधे हो जाएंगे, तो वो कहाँ से उनके पास पैसे आने वाला है? तो ये समस्या आप देखेंगे आने वाले समय में, अगले क्वार्टर्स में भी ये दिक्कत आने वाली है। और बहुत सारे बच्चे आप देखिए कि अपनी स्कूलों से उनकी शिक्षा से भी वो वंचित हो सकते हैं। मुझे तो ये आने वाला समय बड़ा ही अलार्मिंग सिचुएशन लग रही है, अभी बड़ा भयानक लग रहा है। आपको लग रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि स्थिति अगले 6-7 महीने की मुझे तो बड़ा सोचनी लग रही है। निश्चित तौर पर हम यहाँ पर जो अभिभावक हैं उनको ये कहना चाहेंगे कि वो अपनी चुप्पी तोड़ें और अपनी बात को सरकार के आगे और स्कूल संचालकों के आगे रखने की हिम्मत पैदा करें, ताकि आप अगर हिम्मत पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार भी अपने विचार को बदलेगी और स्कूल के जो मालिक लोग हैं, संचालक हैं, वो भी जो है अपने विचारों को बदलने की पूरी पूरी हिम्मत कर पाएंगे। और स्कूल के जो संचालक हैं उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस महामारी के समय, जिस समय देश और दुनिया पूरी ऐसे संकट से गुजर रही है, वो भी विचार करें और समाज सेवा के लिए आगे आएं, उन बच्चों का भविष्य बनाएं और वो स्कूल की फीस जो है स्वतः माफ करें। और सरकार से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि वो भी आम जनता का ख्याल रखे, क्योंकि आप सरकार अगर आम जनता का ख्याल रखेगी तो जनता भी सरकार का ख्याल रखेगी। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इन सभी बातों से सहमत होंगे और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी अज्ञानी जी आपका, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जो जुड़े महेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस चर्चा का निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कुछ निष्कर्ष निकलेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। City Live, a platform to sharing your thoughts.